गाइज एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि साइंस एंड कॉमर्स का जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा वो क्या अल्टरनेट होगा। गाइज इसका आंसर तो मैं दे दूंगा बट आपको जरूर बताना है कमेंट में लिखे कि आप ये क्वेश्चन का ये क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे थे। हाँ मैं समझ रहा हूँ बट आप मुझे बताना। सो गाइज उससे पहले आपको मुझे क्या करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां भी आप जाके मुझे अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो। सो गाइज इस बार कोविड के कारण बहुत सारे नए नए रूल्स लाए गए हैं। ये रूल ये लाया गया कि दो बेंचों के बीच में एक बेंच का गैप होगा। गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ स्कूलों को छोड़ के इतने बड़े क्लासरूम नहीं होते, सो आप समझ सकते हैं। वैसे सेंटर पे जाओगे तो जरूर मुझे मैसेज करना कि कितना गैप है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से बोला गया कि एक-एक बेंच का गैप होना चाहिए, बट आप सेंटर पे जाओगे तो सब चीजें समझ में आ जाएगी। दूसरी बात गाइस, जो आप पूछ रहे हो मुझसे, ये पूछ रहे हो कि जो साइंस और कॉमर्स के अल्टरनेट बैठने वाले, तो गाइस बिल्कुल अल्टरनेट नहीं बैठेंगे। साइंस वाले बच्चे एक क्लासरूम में रहेंगे, कॉमर्स वाले बच्चे एक क्लासरूम में रहेंगे, आर्ट्स वाले बच्चे एक क्लासरूम में रहेंगे। तो मुझे लगता है आपका आंसर मिल गया है और कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो कि आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे थे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।